हमारे मेंटर हैं माने साहब, जब हमने जलगांव गए थे तो जलगांव में हमने उनको सुना था, और उसके बाद में जब हमारे राज साहब और ये सब ने और चेयरमैन साहब गणेश शुगर के, उन्होंने हमने मिलके उनको वहाँ गणेश शुगर पे बुलाया। वटारिया शुगर में माने साहब को लाने की जब बात हो रही थी, तब उसने दो मीटिंग यहाँ पे हमारी शुगर फैक्ट्री पे रखी। साहब ने मीटिंग की और हमारी फैक्ट्री ने तय किया कि 100 टन का पायलट प्रोजेक्ट हम लाएंगे। गणेश शुगर के द्वारा अभी संजीव माने जी के मार्गदर्शन में 100 टन का जो प्रोजेक्ट हमने हाथ पे लिया है, अभी 17-18 का जो प्लांटेशन सीजन है, इसमें करीबन 100 फार्मर्स को ये पायलट प्रोजेक्ट में हमने जोड़ा है। मैं संजीव माने जी द्वारा प्रेरित 100 टन प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है, और ये प्रोजेक्ट गणेश शुगर फैक्ट्री ने हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट करके ये बताया कि यहाँ पे भी हो सकता है, लेट्स वी ट्राई। संजीव माने जी एवरी मंथली मुझे यहाँ पे खेत पे आके मुझे गाइड करते हैं, और गन्ना पहले जो प्रैक्टिस से हम करते थे उससे ज़्यादा हमको यील्ड नज़र आ रहा है उसमें। खास इस प्रोजेक्ट के तहत हमने हमारे जो 9 तहसील है, वो 9 तहसील के अंदर अलग अलग भौगोलिक स्थिति भी अलग अलग है, लैंड का जो सिचुएशन है वो भी विभिन्न है, और जहाँ बंजर जमीन है, जहाँ पानी की भी कमी है, ऐसी जगह पे हमने काफ़ी प्लॉट दिए हुए हैं। एमती 55-60% प्लॉट एवं है कि जे फैक्ट्री एवरेज हेक्टरे 62 टन आए थे, ते अमे कदाच ये एकरे 62 टन अमे टच करशू एम, ये हूँ गेरंटी साथ कहूँ एम। बाकी ना तो एवं घना प्लॉट है, एम एक एक्जाम्पल तमने हूँ आपूँ तो एक सुरेन्द्र सिंह परमार, अमरा एक चंद्र सिंह सोलंकी, पछी एक भद्रे मुनीर है धारोली धारोली में, पछी आ एक तमे अत्यारे जे जोई रह्या छो जयेश भाई, एवं घना अमारी पासे प्लॉट है। अमारे एवं मानवू है कि 12-13 प्लॉट तो अमरा कदाच 100+ के 100 ने टच तो कर ही जैसे, और अभी ये गन्ना मुझे 100% ये गारंटी दे रहा है कि मैं 100 के ऊपर तो जरूर जाऊँगा, और ये टेक्नोलॉजी माने साहब की वजह से है। और हम तो किसान लोग हैं, ये हमारा काम है, हमें करना ही है, तो क्यों ना हम इसकी इस तरह से करें। और दूसरी बात बता रहा हूँ, आप 50 एकड़ का काम कर रहे हो तो 50 एकड़ को भूल जाओ, 25 एकड़ का काम कीजिए, लेकिन इस तरह से करोगे तो क्या होगा, जो आप पाक 50 एकड़ में ले रहे हो वही आपको 25 एकड़ में मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो खर्च है वो आधा हो जाएगा। तो जैसे सिंगल किसान का तो ये सपना भी नहीं रहेगा कि माने साहब को हम यहाँ पे खेत पे लाए और उसका कंसल्टिंग करें। हमारे चेयरमैन साहब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिया कि किसान के खेत पे ये सबसे देश के अच्छे शुगर कैन के एक्सपर्ट है, उसका जो लाभ मिले किसानों को, तो शुगर फैक्ट्री का डिसीजन भी बहुत अच्छा था, हमको उससे काफ़ी फायदा हुआ, खर्च भी इतना ज़्यादा नहीं है। ऐसे तो हमारे गुजरात के किसान को 45,000 खर्च आता है, ऐसे माने साहब के अंदर में तुम काम करोगे तो खर्च 65,000 आएगा, उसमें वो दूरी नहीं है कि हम वो कर नहीं सकते, जो 65,000 रुपया खर्च करके हम 70-80 टन भी गन्ना पिकाएंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। अभी 5 एकड़ में ही ये ट्राई किया था, अभी मैं अगले साल 30 एकड़ में पूरा का पूरा उसका यही प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं चलने वाला हूँ। शुगर का जो भी प्रोसीजर है इस तरह से मैंने भी काम किया, प्रद्युमन भाई है, प्रफुल्ल भाई है, राज सर है, ये लोग खेत पे आते, मिट्टी लेके गए और इसका लेबोरेटरी में टेस्टिंग हुआ, इस तरह से पूरे खाद का एक लिस्ट हुआ, और माने जी की सलाह से जो जो भी खाद डालना है, जिस तरह से स्प्रे करना था उस तरह से मैंने किया, तो आज जो मेरा गन्ना है वो आपके सामने दिख रहा है, अभी 8 महीने का गन्ना है। बाकी तो ऐसा होता था कि जैसे बारिश आए और इसका पवन की वजह से हमारा गन्ना गिर जाता था, लेकिन मेरा मेह के अंदर ये गन्ना गिर गया था, अभी जुलाई हो गया है, तो इस तरह से 6 महीने के अंदर मेरा गन्ना गिर गया था। तो मैं सबको यह सलाह दे रहा हूँ कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, और फैक्ट्री हमारे पीछे लगी है, हमें उत्साहित करने के लिए लगी है, तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। तो माने साहब की देखरेख से अगर हम 2-3 साल
लगातार इसमें लगे रहेंगे तो अपने आप ये थोड़ा सीखना मिलेगा, तो 70-80 टन या 100 टन तक जाएंगे तो किसानों को काफ़ी फायदा है। इसलिए माने साहब जो यहाँ बार बार आए इतनी बारिश में इतनी धूप में, तो इसका भी बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे शुगर चेयरमैन साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सभी खेती के विभाग के हमारे कर्मचारी शुगर के, उन लोगों ने भी बहुत काफ़ी हमको मदद की। जब भी ज़रूरत पड़ी तो उसका मटेरियल हमको पहुंचाया और वहां से शुगर से दिया, तो कोई चीज़ ढूंढने को जानी नहीं पड़ी हमको, वो भी बहुत बड़ी बात है। और माने साहब का और शुगर का खूब खूब आभार। अने एने लीधे 2018-19 अंदर पण नवा वर्ष माटे अमे संजीव माने मार्गदर्शन फरी आ वर्षे पण प्रोजेक्ट અમલમાં મૂકવાની ખેડૂતોમાં જાણકારી ખેડૂતોને જાણકારી આપી, મોટી સંખ્યામાં આ વર્ષે પણ ખેડૂતોએ ઉત્સાહ દાખવ્યો અને અમે ચાલુ વર્ષે પણ એ પ્રોજેક્ટને અમે અમલમાં મૂક્યો છે। ખાસ તોર પર ઇસ પ્રોજેક્ટ કે લીએ સંજીવ માનેજી કા મેં તહે દિલ સે ધન્યવાદ દેના ચાહતા હું, ક્યોંકિ મહારાષ્ટ્ર સે હર મહિને દો વિઝિટ યહાં પે ઇનકી હોતી હૈ ઓર 100 જો પ્લોટ હૈ वो कोशिश करते हैं कि सभी प्लॉट के ऊपर जाके जो किसान है उसको गाइडेंस दे सके। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और आगे ये प्रोजेक्ट जो है हम उसको और भी बढ़ावा देने की हमने अभी डिसीजन ली है, और इसके लिए मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जो किसान इसमें जुड़े हैं और जिसने पहल की है वो सभी किसानों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।